आज मैं बनाने वाली हूँ सोया बिरयानी। इसे बनाना बहुत ही आसान है और ये और भी आसान हो गया है कुकर में बनाने से। और मैं इसे कुकर में बना रही हूँ प्रॉपर लेयर के साथ। कम टाइम में बनने वाली बहुत ही स्वादिष्ट सोया बिरयानी कैसे बनाते हैं देखने के लिए आइए चलते हैं किचन में। नमस्कार, #BonAppetite चैनल में आप सबका स्वागत है। मैंने यहाँ पे लिया है 1 कप सोया चंक। सोया चंक को नरम करने के लिए ऊपर से डाल देंगे उबले हुए पानी। चम्मच से सारे सोया चंक को पानी में डुबो देंगे ताकि ये अच्छी तरह नरम हो जाए और 15 मिनट ऐसे ही रहने देंगे। 15 मिनट बाद आप देख सकते हैं सोया चंक अच्छी तरह से फूल गए हैं और ये बहुत नरम भी हो गए हैं। अब हाथों से ऐसे प्रेस करके सोया चंक के सारे पानी निकाल लेंगे। अब बिरयानी बनाने के लिए एक कुकर में डालेंगे तेल। मैंने यहाँ पे काफ़ी सारा तेल डाला है क्योंकि मैं अभी तैयार करने वाली हूँ बरिस्ता, मतलब प्याज को फ्राई करने वाली हूँ। और प्याज को क्रिस्पी बनाने के लिए हमें इसे डीप फ्राई करना है। प्याज को मैंने बहुत ही पतले पतले स्लाइसेस में काट लिया है। अब हम इसे मीडियम फ्लेम में फ्राई करेंगे। प्याज को क्रिस्पी होने तक हमें फ्राई करना है। आप देख सकते हैं प्याज धीरे धीरे ब्राउन कलर के हो गए हैं। प्याज को डार्क ब्राउन कलर के हो जाने तक फ्राई करूंगी। प्याज अच्छी तरह फ्राई हो चुका है, अब हम इसे तेल से निकाल देंगे। अब हम उसी तेल में डालेंगे आलू। क्योंकि मैं कोलकाता की लड़की हूँ इसलिए बिना आलू के बिरयानी तो मैं सोच ही नहीं सकती हूँ। मुझे तो बिरयानी का आलू बहुत पसंद है, आपको कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आलू को 4 से 5 मिनट मीडियम फ्लेम में फ्राई करेंगे और आलू अच्छी तरह फ्राई हो जाने के बाद तेल से निकाल लेंगे। आलू निकाल लेने के बाद तेल को कुकर से निकाल लेंगे और डालेंगे 3 से 4 चम्मच तेल। तेल हल्का गर्म होने के बाद डालेंगे 1 चम्मच जीरा, दालचीनी, हरी इलायची, 4 से 5 लौंग और जावित्री डालकर आधे मिनट फ्राई करेंगे। मसालों से जब बहुत अच्छी खुशबू आने लगेगी डालेंगे चॉप्ड टोमेटो। 2 से 3 मिनट टोमेटो को फ्राई करेंगे। डालेंगे 1 चम्मच अदरक का पेस्ट और 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट और अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। टमाटर अच्छी तरह पक जाने के बाद डालेंगे 1/2 चम्मच हल्दी, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मसालों से तेल अलग होने तक मसालों को अच्छी तरह से भूनेंगे। आप देख सकते हैं मसाला तेल छोड़ने लगा है। अब हम इसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच खट्टा दही और फ्लेम लो करके अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। 1.5 से 2 मिनट मिक्स करने के बाद डालेंगे उबले हुए सोया चंक्स, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ऊपर से डालेंगे स्वाद अनुसार नमक और 2 से 3 मिनट अच्छी तरह से भुनेंगे। सोया चंक्स को मैंने अच्छी तरह से भून लिया है। अब फ्लेम बंद करके लेयर तैयार करेंगे। पहले हम डालेंगे चावल। मैंने यहाँ पे बासमती राइस लिया है, इसको मैंने अच्छी तरह से साफ कर लिया है। चावल का लेयर तैयार करने के बाद डालेंगे फ्राई किए हुए आलू, डालेंगे फ्राई किए हुए प्याज या बिरिस्ता, केसर दूध, फिर से चावल का और एक लेयर तैयार करेंगे। चावल का लेयर तैयार करने के बाद रखेंगे फ्राई किए हुए बाकी आलू, 1 हरी मिर्च। हरी मिर्च को मैंने बीच में से काट लिया है
आपको ज़्यादा तीखा पसंद हो आप ज़्यादा हरी मिर्च रख सकते हैं। रखेंगे फ्राई किए हुए प्याज, चॉप्ड धनिया पत्ते, चॉप्ड पुदीना पत्ते, केवड़ा वाटर, आप चाहे तो रोज़ वाटर भी डाल सकते हैं, 2 चम्मच घी। घी डालने से बिरयानी का फ्लेवर बहुत बढ़िया लगता है। डालेंगे पानी, मैंने यहाँ पे 2 कप चावल के लिए 4 कप पानी डाला है। डालेंगे स्वादानुसार नमक, ख्याल रखें सोयाबीन में पहले से नमक डाला हुआ है तो आप उस हिसाब से नमक डालें। कुकर को बंद कर देंगे और मीडियम फ्लेम में 1 सीटी देंगे। एक सीटी देने के बाद आधे घंटे ऐसे ही रहने देंगे। आधा घंटा हो चुका है, कुकर का ढक्कन भी लूज हो चुका है, अब हम इसको खोलेंगे। बिरयानी तैयार है, चावल एकदम खिला खिला है, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही स्वादिष्ट सोयाबीन बिरयानी तैयार है। लंच हो या डिनर, गर्मा गर्म बिरयानी रायता, सलाद, तंदूरी प्याज या सिरके वाले प्याज के साथ सर्व करें। और आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और भी नए नए वैरायटीज़ रेसिपीज़ के लिए #BonAppetite चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।